पूरा शहर गमगीर है इसलिए कि ये बहुत समाजसेवी थे और पूरे समाज को लेकर चलते थे। और काली पूजा समिति के पर्वती के संरक्षक बहुत दिन रहे हैं और काली पूजा को बड़ी धूमधाम से लोगों से मनाए हैं। आज ये निधन जो है उनका बिल्कुल एक शहर को क्षति है, पर्वती के लिए तो है ही लेकिन पूरे भागलपुर शहर के लिए है। एक अच्छे नेता थे, ये अच्छा काम करते थे समाज के लिए। आज ये हमारे बीच नहीं रहे, इनके परिवार के इस दुख के घड़ी में उनके परिवार के साथ हम हैं और उनके आत्मा को शांति मिले। निश्चित तौर पर सभी लोग गमगीन हैं। गम तो बहुत है, वो हमारे बड़े गार्जियन थे, हमने उनके साथ बहुत दिन बिताया भी है, साथ में रह के उनका व्यवहार उनके आचरण से हम काफ़ी प्रभावित भी हुए थे। वो हमारे आदर्श थे, एक भागलपुर की शान थे वो, उनकी आत्मा को शांति मिले, हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान थे वो। पर्वती की पूरा मार्केट बाजार बंद किए हुए हैं, पूरा पर्वती पूरा मार्केट पूरा भागलपुर अपनेपन के कारण आज उनका उनके विदाई समारोह सब यात्रा में शामिल होंगे भी, और उनके अफसोस सभी को है, पूरे भागलपुर को, पर्वती समाज के साथ साथ सभी युवा वर्ग, व्यापारी वर्ग, हमारे जो भी भागलपुर के हैं सभी को बहुत ही गम है इस चीज़ का। कमिश्नर बाबू के चले जाने से बहुत ही दुख है। गम है, ये भागलपुर का लाल है, भागलपुर के लाल थे और भागलपुर ने एक अपूर्णीय क्षति की है। इनका कोई विकल्प नहीं है, भागलपुर के योद्धा के रूप में केंद्रीय काली पूजा महासमिति के महामंत्री और केंद्रीय काली पूजा महासमिति के प्रधान संरक्षक के हैसियत से इन्होंने जो काली पूजा के विसर्जन शोभा यात्रा में जो अपनी अहम भूमिका अदा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है और आज इनकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती। केंद्रीय काली पूजा महासमिति के ये प्रधान संरक्षक थे, हम लोग के गार्जियन थे, बड़े भाई थे और हमारे समिति के सभी पदाधिकारी और मेलपति आज मरमाहत हैं, बल्कि हम ये कहेंगे पूरा भागलपुर शहर शोकाकुल है, मरमाहत है। यह क्षति पूरा नहीं हो सकता। हमारे कामेश्वर यादव जी आज हमारे बीच नहीं रहे और आपको पता होगा कि एक चांद रात के दिन ईद और काली पूजा एक साथ पड़ा था और वह प्रशासन के लिए सिरदर्द था। वहाँ भाई कामेश्वर यादव जी अपनी उपस्थिति देकर और शांतिपूर्ण ढंग से प्रतिमाओं का विसर्जन कराया था और इस अच्छे कार्य के लिए जिला प्रशासन ने डीजीपी नारायण मिश्रा जी से भागलपुर के 32 लोगों को सम्मानित कराया था, जिसके संयोजक भाई कमल जायसवाल थे और उस 32 पाने वालों में हमारे अध्यक्ष थे ब्रजेश शाह जी, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश यादव जी, गिरीश भगत जी, रिंटू सिंह जी, विनय कुमार सिन्हा जी आदि कई लोग थे। तो उनके कई बातें जो हम लोगों के जहन में कौंधती है और जब कभी भी हिंदुओं के शान की बात हुई है तो इन्होंने बढ़ चढ़ कर बिना नफा नुकसान को देख कर ये इसमें भाग लिए। इनका ये कहना था कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हार, जो घर जा रहे अपना चलो हमारे साथ। भाई कामेश्वर हम लोगों के दिल में अक्षुण रहेंगे और हम लोगों की गहरी संवेदना है, श्रद्धांजलि है। और भागलपुर में काली पूजा विसर्जन में शांति सद्भाव बनाने में हमारे कमिश्नर यादव जी का बहुत बड़ा रोल रहा है और पूरे टीम को लेकर चलते थे प्रशासन। और ये जो पर्वती का जुलूस एक नंबर में जो लगता था और सही समय पर पहुंचाने का काम करते थे और ये भागलपुर में शांति सद्भाव के लिए एनी टाइम जाना जाएगा कमिश्नर यादव जी को। और टोटल लोग हम सब, चाहे नाथनगर पूजा समिति, भागलपुर पूजा समिति या भागलपुर की जनता, सारे लोग को दुख है कि कमिश्नर यादव का जो युग था आज एक अंत हो गया। फिर कमिश्नर यादव फिर हम सबके दिल में रहेंगे और पूरे भागलपुर में शोक की लहर है। निश्चित रूप से जो है आज जो है भागलपुर के एक बहुत ही सबके दिल में राज करने वाले कामेश्वर जी हमारे बीच नहीं रहे, ये इनका एक थोड़ा सा याद आ रहा है वो शिला पूजन का दिन, जिस दिन जो है यहाँ से शिला पूजन के लिए भक्तिमय वातावरण में जो है यहाँ से जो है जुलूस लेकर के एक तमन्ना थी
कि राम मंदिर बनेगा वहां पर हम जाएंगे। बस 22 का दिन था, इनकी बड़ी इच्छा थी भागलपुर में 22 का दिन जो है एक रोचक दिन होगा। भयंकर इनका प्लानिंग चल रहा था, बस भगवान को जो मंजूर होता है उसको कोई नहीं रोक सकता, भगवान को यही मंजूर था। लेकिन 22 का दिन जो उनका यादगार दिन जो बनाना चाहते थे वो यादगार दिन बनेगा। हम लोग बैठ करके फिर प्लानिंग करेंगे, निश्चित रूप से हमारे बीच ना रहें लेकिन दिल और दिमाग में वो है। और जिस तरह से भागलपुर में एकजुटता बना करके लोगों के बीच रहा, यहाँ के पूजा संघर्ष को लगातार जारी रखा, लोगों के बीच मानवता का जो है प्रचलन को जो है जागृत किया, निश्चित रूप से भागलपुर जुग जुगांतर तक इनको याद करता रहेगा। आज मैं क्या बोलूं, बहुत दुख की घड़ी है और शहर वासियों नहीं पर बल्कि बिहार वासियों के लिए ये दुख की घड़ी है और एक बहुत बड़ा अपूरणीय क्षति हुई है। हम लोगों के संबंध से भी थे और अभिभावक के रूप में श्री श्री 108 काली महारानी के वो प्रधान संरक्षक थे, मैं संरक्षक के रूप में थी। हमेशा बेटी कह के पुकारते थे, काफ़ी भीड़ होती थी तो भी जब मैं स्टेशन पर रहती थी तो एक बार वो हाथ डोलाते थे, बेटा ठीक आगे बढ़ रहे हैं। हम बोलते थे चाचा जी भीड़ नहीं लगाइए, आगे बढ़िए। अच्छा भीड़ नहीं लगाएंगे बेटा, रोज़ तो ये मेला लगता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आज इनके सामने में जो ये भीड़ है, जो ये जनाजा है, हर के आंसू में जो दुख है और साथ में ये जनाजा है, शायद बहुत बड़ा बड़ा महापुरुषों का भी ये जनाजा नहीं निकलता है। अब मैं तो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और कहती भी हूँ कि सर चढ़ा फूल जो चमन से चले गए और इज्जत उसे मिली जो वतन से चले गए। आज हम लोग अपनी नम आँखों से विदाई दे रहे हैं कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आप अपनी प्रेरणा हम सबों को दे के ही जाइए और मैं घाट तक जाऊँगी निश्चित रूप से।